हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम साधारण ब्याज का पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं। हमने इसके पार्ट 7 को कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों यदि आप लोगों ने हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखना। तो दोस्तों बिना टाइम खराब किए हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है। किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 8 माह के साधारण ब्याज तथा उसी धन पर 5% वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज का अंतर 129 रुपए है, मूलधन ज्ञात करो। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, जब भी क्वेश्चन में आपको साधारण ब्याज का अंतर दिया हो या फिर दोनों साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया हो तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं। इस फॉर्मूले की मदद से आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब बात आती है दोस्तों वह फॉर्मूला क्या है। PR1 T1 बटे में 100 माइनस PR2 T2 बटे में 100 बराबर A। दोस्तों इस A का मतलब क्या होगा, अंतर होगा। अर्थात दोस्तों आपको क्वेश्चन में कहा गया है साधारण ब्याज का अंतर 129 रुपए है, तो A की वैल्यू क्या होगी, 129 रुपए होगी। अब देखिए दोस्तों यह फॉर्मूला हमारे पास में है, तो जो भी वैल्यूज हमें दी गई है इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यह 4% क्या है, यह R1 की वैल्यू है। 8 माह क्या है, यह T1 की वैल्यू है। 5% क्या है, यह R2 की वैल्यू है। 15 माह क्या है, यह T2 की वैल्यू है। और दोस्तों हमें क्या फाइंड करना है, हमें मूलधन को फाइंड करना है। अब देखिए दोस्तों हमें मूलधन को फाइंड करना है। R1 आपके पास में कितना है, 4% है, इनटू में Time 1 आपके पास में कितना है, 8 महीने का है, यह महीने में है, तो हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। और दोस्तों यह जो फॉर्मूले का 100 है बटे में, हमने उसे भी लगा दिया। अब देखिए दोस्तों बीच में माइनस का सिंबल है, माइनस लगाया। हमें प्रिंसिपल को फाइंड करना है। R2 आपके पास में कितना है, 5% है, इनटू में T2 आपके पास में कितना है, 15 महीने है, यह महीने में है, तो हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यह फॉर्मूले का बटे में 100 हमने लगा दिया। और दोस्तों A की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 129 रुपए है। अब देखिए दोस्तों 8 चौक कितना होता है, तो 8 चौक 32p हो जाएगा, बटे में कितना है, 1200 है, माइनस 15 पंजे कितना होगा, तो 15 पंजे 75p होता है, बटे में क्या हो जाएगा, तो 100 × 12 1200 हो जाएगा, बराबर में कितना है, 129 है। अब देखिए दोस्तों हर समान है तो हम डायरेक्टली घटा सकते हैं। अर्थात दोस्तों 32p माइनस 75p बटे में कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, बराबर में कितना है, 129 है। अब देखिए दोस्तों यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना कि 32p में से 75p जब जाएगा तो माइनस में चल जाएंगे। दोस्तों आपको माइनस का साइन नहीं लगाना है। अब देखिए दोस्तों 75p में से 32p जब जाएगा तो 43p बचता है, बटे में कितना है, 1200 है, बराबर में क्या हो जाएगा, 129 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 43 एकम 43 43 तिया 129 होता है। यह जो बटे का 1200 है यह 3 के साथ में क्रॉस में गुना करेगा, तो दोस्तों आपका मूलधन कितना निकल कर आएगा, 12 तिया 36
और यह दो जीरो हमने लगा दिए, अर्थात दोस्तों आपका मूलधन कितना है, तो 3,600 रुपए है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, दो बराबर धनों को साधारण ब्याज की 11% वार्षिक दर पर क्रमशः 3.1/2 वर्ष तथा 4.1/2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि दोनों ब्याजों का अंतर 412.50 रुपए हो तो प्रत्येक धन कितना है। दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है पिछले क्वेश्चन में, जब भी आपको साधारण ब्याज का अंतर दिया हो या फिर दोनों साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया हो, तो आप क्या कर सकते हो, उस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अब बात आती है दोस्तों वह फॉर्मूला क्या था, PR1T1/PR2T2/100 दोस्तों इस बार आपको A की वैल्यू कितनी दी गई है, 412.50 रुपए दी गई है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको नोटिस करनी है, इस बार R1 की वैल्यू 11% है और R2 की वैल्यू भी 11% है, क्योंकि दो धनों को क्या किया गया है, 11% वार्षिक दर पर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों हमें मूलधन को फाइंड करना है, इन टू में R1 की वैल्यू 11% है, T1 की वैल्यू कितनी है, 3.1/2 वर्ष, तो हम इसे साधारण भिन्न बनाएंगे, 2 + 6, 6 में 1 को ऐड किया तो हम इसे 7/2 भी लिख सकते हैं, और यह जो बटे में फॉर्मूले का 100 है उसे भी हमने लगा दिया। अब देखिए दोस्तों हमें प्रिंसिपल को फाइंड करना है, R2 की वैल्यू आपके पास में 11% है, इन टू में T2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4.1/2 वर्ष, तो हम इसे साधारण भिन्न बनाएंगे, 2 + 8, 8 + 1, तो हम इसे 9/2 भी लिख सकते हैं, और यह फॉर्मूले का बटे में 100 हमने लगा दिया। और दोस्तों A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 412.50 रुपए है। अब इसे सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 11 × 7 कितना होता है, तो 77P हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 100 × 2, 200 होता है, माइनस 11 × 9 कितना होता है, तो 99P हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, बराबर में कितना है, 412.50 रुपए है। अब देखिए दोस्तों हर समान है तो हम डायरेक्टली घटा सकते हैं, अर्थात दोस्तों 99P में से जब 77P जाएगा तो कितना बचेगा, 22P बचेगा, और बटे में कितना है, 200 है, और बराबर में कितना है, 412.50 रुपए है। अब देखिए दोस्तों यहां से दशमलव हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2 0 से 2 0 को कट किया, 2 से काट लीजिए, 2 × 1 = 2, और 2 से यह 11 बार कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों 11 × 1 = 11, यहां पर 11 × 3 = 33 बचेगा कितना, 8 बचेगा, 11 × 7 = 77 बचेगा, 5 × 11 = 55 और ये 0, अर्थात दोस्तों आपका मूलधन कितना निकल कर आया, 3,750 रुपए निकल कर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अब परेशानी नहीं होगी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन,
ये दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, किसी धन पर एक निश्चित दर तथा समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है, यदि दर तथा समय के संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर तथा समय ज्ञात करो। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, जब भी क्वेश्चन में आपको यह लाइन दिखाई दे यदि दर तथा समय के संख्यात्मक मान बराबर हो या समान हो, तो जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं उस ट्रिक का आप यूज करना। अब देखिए दोस्तों इस लाइन का मतलब क्या होता है, रेट और टाइम आपस में क्या है, बराबर है। अर्थात दोस्तों जितनी रेट रहेगी उतना ही टाइम रहेगा, बस फर्क इतना होगा रेट जो है वह परसेंट में निकलेगी और जो टाइम है वह वर्ष में निकलेगा। आपको क्या कहा गया है, ब्याज मूलधन का 9/25 है। दोस्तों आपसे क्या कहा गया है, ब्याज जो है मूलधन का 9/25 है। दोस्तों ट्रिक क्या है, आपको कुछ नहीं करना, यहां पर 100 का गुना करवा देना है। अब देखिए दोस्तों 25 से काट लेते हैं, 25 एकम 25 25 चौक 100 होता है, तो दोस्तों 9 चौक कितना होगा, तो 9 चौक 36 होगा। तो इस 36 के ऊपर रूट लगा दीजिए, 36 किन 2 बराबर संख्याओं का गुना करवाने पर आता है, तो 6 × 6 = 36 होता है। अर्थात दोस्तों 36 6 और 6 का गुना करवाने पर आता है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपकी दर भी कितनी निकल कर आएगी, 6% निकल कर आएगी, और आपका समय भी कितना निकल कर आएगा, 6 वर्ष का निकल कर आएगा। क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा गया था यदि दर तथा समय के संख्यात्मक मान बराबर हो, कल को यहां पर 64 आ जाए तो 8 × 8 = 64 होता है। अर्थात दोस्तों दर भी 8%, समय भी 8 वर्ष। कल को यहां पर 144 आ जाए तो दर भी 12% और समय भी 12 वर्ष का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सारे टाइप समझ में आए होंगे। आज के वीडियो को बस यही तक रखते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।